हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल सरकार के मत्स्य अधिनियम 1976 के तहत प्रावधानों के अनुपालना में 1 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 तक गोविंद सागर कोल डैम सहित हिमाचल प्रदेश के सभी जलाशयों व सहयोगी नदियों में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की मछली के शिकार और मछली के व्यंजन तैयार कर बिक्री करने तथा मत्स्य परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य को करने वाले व्यक्ति का अपराध गैर जमानती है। उन्होंने बताया कि उल्लंघनकर्ता को 3 साल की सजा व 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर जलाशय के विस्तृत क्षेत्र पर पूर्ण चौकसी रखने के लिए अति संवेदनशील स्थानों पर 18 निगरानी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें विभागीय कर्मचारी दिन रात गश्त करेंगे। इसके अतिरिक्त एक उड़न दस्ता भी गठित किया गया है, जो अचानक छापामारी करते रहेंगे। जलाशय में 2 मोटर बोट गश्त हेतु हर समय तैयार रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के सामान्य जलों में 2 माह का मछली मारने पर प्रतिबंध रहता है, क्योंकि इस दौरान मछली जो है वो प्रजनन करती है, और इस समय जो है हमारे गोविंद सागर और पोंग जलाशय, चमेरा जलाशय, रणजीत सागर डैम, इन सभी में जो है वो मछली पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में जो भी सामान्य जल हैं, जिसमें नदी छोटे नदियां हैं या नदियों के छोटे नाले हैं, इन सभी में मछली मारने पे प्रतिबंध रहेगा। हमारे ये जो जलाशय हैं खास करके, इनमें कैंप वगैरह भी हमारे सारे अधिकारी जो हैं और कर्मचारी वो क्योंकि इस समय मछली का जो उत्पादन या मछली अखेट का जो कार्यक्रम होता है वो बंद हो जाता है। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि जून व जुलाई के महीने में मछलियां प्राकृतिक प्रजनन करती हैं। इन मछलियों को मुक्त विचरण व प्रजनन हेतु मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि जलाशय से सतत मछली उत्पादन हो सके और इसमें जुड़े मछुआरों का रोजगार बना रहे। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक प्रजनन द्वारा मछलियां अपने वंश वृद्धि करती हैं। इसके अतिरिक्त विभाग अच्छी किस्म की मछलियों का बीज संग्रहण करता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में गोविंद सागर जलाशय में 88.5 लाख तथा कोल डैम जलाशय में 11.03 लाख के उत्तम किस्म की मछलियों के बीज संग्रहित किए गए। हमारे गोविंद सागर में लगभग 18 कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं, और इसी प्रकार से पोंग जलाशय में 16 कैंप हैं लगाए गए हैं, और उसमें कम से कम एक कैंप में 2 कर्मचारी जो है वो रहते हैं, और दिन और रात जो है उस पर गश्त करके हम झीलों का संरक्षण करते हैं, और इसी प्रकार जो है नदियों में भी हमारे सारे जो मत्स्य क्षेत्रीय सहायक हैं वो उसकी गश्त करके उसका संरक्षण करते हैं। तो मेरा लोगों से अनुरोध भी है कि कोई जो है इन 2 माह में किसी भी प्रकार का मत्स्य अकेट ना करे, और कोई लोग अकेट करता हुआ पकड़ा गया तो विभाग जो है उसको जुर्माना भी करता है, और अगर वो जाल से पकड़ा गया अवैध मत्स्य अकेट करता हुआ तो ये गैर जमानती अपराध है, और इसकी कोई बेल भी नहीं होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस भी इसको माना जाता है।